हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² / 1 + tan² = cos² - sin² है या नहीं। यानी हमें 3 cot A = 4 दिया हुआ है और इसको कहना है कि हमें क्या इतना बराबर इतना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, दिया हुआ है 3 cot A = 4। यहाँ पर हमें 3 cot A = 4 दिया हुआ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 3 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस पर जाएगा तो यह डिवाइड में चला जाएगा, यानी cot A = 4/3। तो यहाँ पर कॉट दिया हुआ है, तो अब हम कॉट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं = आधार/लंब। तो हमने यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला लिख लिया आधार/लंब। अब हम इसको कंपेयर कर आधार और लंब का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर बाटा के ऊपर है, यानी अंश में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाटा के ऊपर आधार है, यानी हमें आधार का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आधार = 4 दिया हुआ है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि बाटा के नीचे यहाँ पर 3 है और बाटा के नीचे यहाँ पर लंब है, यानी हमारा लंब का हो जाएगा, यानी लंब = हमें 3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा सभी त्रिकोणमिति जो बेस्ट होता है वह समकोण त्रिभुज पर होता है, और यह भी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और एक कोण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कर्ण का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी कर्ण का निकालने का सूत्र होता है कर्ण = √√ लंब² + आधार²। तो अब हम इस पाइथागोरस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कर्ण = √√ लंब² + आधार². तो हमने यहाँ पर कर्ण निकालने का सूत्र को यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर हम लंब का वैल्यू लिखना है, तो लंब का वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे √ यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद है आधार² तो आधार का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो लिख देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर बोल रहा है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर यानी 3 को हमें 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 * 9, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसी तरह 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 * 4 = 16। तो यानी 4 का स्क्वायर हमें 16 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी 16 * 9 = 25, यानी हमें मिला 25। और हम जानते हैं कि 25 5 का वर्गमूल होता है, तो हमारा हो जाएगा cot = 25। तो अब हम आधार, लंब और कोण का वैल्यू को तीनों एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आधार = 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 आधार = 4, और यहाँ पर देख रहे हैं लंब = 3 है, तो लिख देंगे लंब = 3। अब हमें जो दिखाना है उसको हम लिख लेते हैं, हमें जिसको बराबर दिखाना है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें 1 - tan² / 1 + tan² = cos² - sin² ये को दिखाना है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। इसको हमें बराबर दिखाना था उसको हमने लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 1 तो 1 लिखेंगे, उसके बाद है माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद है 10² है, यानी हम जानते हैं कि हमारा 10 का फॉर्मूला होता है लंब/आधार। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देंगे, यानी लंब/आधार। यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद है बटे तो यहाँ पर हम लिख देंगे बटे, उसके बाद है 1 तो 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस तो प्लस, फिर 10² यानी 10 का फॉर्मूला होता है लंब/आधार। तो इसको हमने यहाँ पर इसके 10 के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर हम कर देंगे, उसके बाद = उसके बाद है cos² है। तो हम जानते हैं कि हमारा cos का फॉर्मूला होता है आधार/कर्ण, तो अब हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे आधार/कर्ण। तो यहाँ पर cos² है तो इसका भी यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि हमारा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कोण, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी लंब बटे कोण। यहाँ पर है साइन का स्क्वायर, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है वन, यहाँ पर वन लिखेंगे, उसके बाद तो माइनस, यहाँ पर है लंब बट्टे आधार, तो लंब का वैल्यू है 3 और आधार का वैल्यू है 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। उसके बाद है बटे, तो यहाँ बटे लिख देंगे, उसके बाद उसके नीचे वन तो वन लिखेंगे, उसके बाद प्लस तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर भी लंब बट्टे आधार, यानी लंब का वैल्यू अभी रखे थे, यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन लिख देंगे। उसके बाद है आधार बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू है 4 और कर्ण का वैल्यू है 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर लंब का वैल्यू हमें 3 है और कर्ण का वैल्यू 5 है, यानी 3/5, तो इसका है स्क्वायर, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है वन, तो वन लिखेंगे, उसके बाद माइनस तो माइनस, उसके बाद है 3/2 और 4/2, यानी 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद है बटे, तो बटे लिख देंगे, और यहाँ पर या और यहाँ पर है 1+, तो यहाँ पर लिख देंगे 1+, यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 लिखेंगे। उसके बाद है 4/5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर 4 पर भी स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर हमें 25। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद है 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी ऊपर एक बटा घटाव बनाते हैं, 16 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 1 में 16 से डिवाइड करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16। उसके बाद है माइनस और 9, और 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। उसी तरह यहाँ बटा है तो बटा लिखेंगे, उसके बाद है यहाँ पर इसको भी नीचे और इसका नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो अब हम यहाँ बाटा के जोड़ बनाने के बोल रहा है, तो इसको हम बाटे के जोड़ बनाएंगे, और 16 का एलसीएम होगा हमें 16, और 1 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। उसके बाद है इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन देंगे, और यहाँ पर भी बटे घटा बनाएंगे, यह 25 और यह 25 का एलसीएम होगा 25, और 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16। उसके बाद है माइनस, तो माइनस, उसके बाद उसी तरह 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 16 में से 9 घटाने को बोल रहा है, यानी 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7, उसके बाद है बटे 16, तो बटे 16 लिख देंगे, यहाँ पर है मेन बटा, तो यहाँ मेन बटा लिख देंगे। उसी तरह अब इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी 16 को 9 को 25 को, और यहाँ पर है बटे 16, तो इसको भी बटे 16 कर देंगे। उसके बाद इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन देंगे। उसी तरह यहाँ माइनस करने के लिए बोल रहा है, यानी 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7, और यहाँ पर है बटे 25, तो यहाँ पर लिख देंगे बटे 25। तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 7/16, तो यहाँ पर 7/16 लिख देंगे, और ये मेन बटा का मतलब हमें होता है डिवाइड करना, एंड डिवाइड के नीचे जो रहता है वो गुना में बदल कर पलट जाता है, यानी यह 25/16, तो यह हो जाएगा 16/25। तो उसके बाद है यहाँ पर 7/25, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/25। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 से कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें बचा 7/25 = 7/25, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एल एच एस और यह आर एच एस दोनों बराबर है, चूंकि एल एच एस बराबर है आर एच एस, इसलिए हम लिख देंगे 1 - 10² / 1 + 10² = cos² - sin² है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त, यानी यह एल एच एस इस आर एच एस के बराबर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।